स्टार्टिंग है और आपको ये दिखाऊंगा सीधा सीधा अभी जाएंगे हम मौला जी का दरगाह पे। बीफ बर्गर तो मैं आपको दिखा दूं मेरी यूट्यूब फैमिली ये देखें वाओ जंबो बर्गर। इसे आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स में बताइएगा। बास लोग इसे आलू बुखारा कहते हैं, कुछ आलूचा कहते हैं। हैदराबाद में पीके रोल पॉइंट पे हैं हम। चले जी चलते हैं भाई पीके के ऊपर। हैदराबाद के मशहूर यहाँ रेस्टोरेंट्स पे वगैरह पे अभी हमने यहाँ से ऑर्डर दे रहे हैं चाउमीन वगैरह का। चाइनीज़ वगैरह इन्होंने डिसाइड किया हुआ है चाउमीन्स वगैरह ठीक है। और ये चीज़ें हैं और यहाँ पर भी डील्स लगी हुई हैं। देखते हैं आप क्या खाते हैं। तो हम आए हुए हैं कहाँ पर पीके रेस्टोरेंट हैदराबाद। तो जी हमने ऑर्डर दिया है लेकिन उसमें लग रहा है टाइम जो है करीबन गैस स्लो आ रही है इस वजह से हमने ऑर्डर दिया है चाइनीज पिज़्ज़ा भी दिया और बर्गर का भी दिया जैसे आता है फिर आपको। A few moments later मैं आ गए हैं ये पिज़्ज़ा आ गया है ये चौमन एक केरा दो चौमन रखे हैं हमारे यहाँ। बर्गर भी मैंने ऑर्डर किया था मेरा आ गया है बीफ बर्गर तो मैं आपको दिखा दूँ मेरी यूट्यूब फैमिली ये देखें वाओ जंबो बर्गर ज़बरदस्त। और ये है पिज़्ज़ा वगैरह कैसे है बेगम हैं मज़ेदार मज़ेदार। The next day जी यहाँ की मौला जी कदम गाँव का स्टार्टिंग है और आपको ये दिखाऊंगा सीधा सीधा अभी जाएंगे हम सामने फिर आपको ये दिखाएंगे पे जो लगाया हुआ उन्होंने माशाल्लाह यहाँ काम हो रहा है वो माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये अभी तंजीनो आराइश हो रही है इसकी सामने कलर्स वगैरह कर रहे हैं माशाल्लाह से। आ गए हैं इंटरसर के आपको ऊपर चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से यहाँ पर और यहाँ का वर्क दिखा रहा हूँ आपको कदम गा का। अस्सलाम वालेकुम कैसा मैं चलता हूँ खेल से मैं खेल से तो आज हम लोग करते हैं जी शुरू। आज मैं आया हूँ मौला जी कदम गा पे और 5 मोहर्रम हराम है तो उसको सुबह ज्यारत करना है कदम मुबारक पे कदम मुबारक पे तो चलते हैं आपको दिखा दें आगे कदम मुबारक। मैं अब्बास का रखा हुआ है माशाल्लाह से मैं आपको दिखाऊँ और सामने माशाल्लाह है कदम मुबारक है माशाल्लाह से बेहतरी कदम गा गया तो आपको ज़्यारत करवा रहा हूँ माशाल्लाह या अल्लाह या हुसैन माशाल्लाह माशाल्लाह। Hours later The next day अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर वाफियत से अपने घर पे आ गए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ट्रिप रहा हमारा बिल्कुल ख़ास जैसे कि आपने देखा हैदराबाद का देखा और समझ ले बहुत इंजॉय किया। क्यों बेगम साहिबा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है और अल्लाह पाक ने जो वक्त गुजरवा दिया बहुत अच्छा रहा। बाकी ये कि मुहर्रम का एहतराम करते हुए हमने कहा नहीं हम इंशाल्लाह ताला दोबारा से वैसे हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था घूमने फिरने का क्योंकि हमें नहीं पता है कि मुहर्रम है और मुहर्रम का एहतराम करना हर मुसलमान पर फर्ज है। दूसरा ये कि इंशाल्लाह ताला मुहर्रम चले जाएंगे जिस तरह मुहर्रम आए हैं मुहर्रम गुजर जाए फिर हम लोग अपना जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू करेंगे और फिर हम घूमने फिरने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ये सरप्राइज है। आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे आने वाले जो ब्लॉग हैं कुछ एक मंथ बाद। उसके बाद ये है कि जी आप वही घर की डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं अपनी हेल्पर का वेट कर रही हूँ आज है क्योंकि काफ़ी दिन से सफाई वगैरह भी नहीं हुई तो सब बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो चुकी है क्योंकि सब कुछ करना है और उससे पहले नाश्ता करना है क्योंकि अभी हम सो के उठते हैं आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा तो इमरान साहब को भेजते हैं नाश्ता लेने के लिए और हम चलते हैं किचन में चाय बनाने के लिए। अच्छा जी मैं तो जा रहा हूँ नाश्ता लेने और काफ़ी दिन उधर से हमको यानी कराची से अपने घर से दूर रहे हैं और जो सारी बात आपको कुछ अर्से के बाद जब इंसान आता है तो थोड़ा थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगता है। चलो चलते हैं आता है मैं नाश्ता लेके फिर आपसे। अच्छा जी तो मैंने इमरान से कुछ फ्रूट्स भी मंगवाए थे क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था और नाश्ता इतनी देर में लेकर आए कि मेरी चाय पक पक के भी आधी हो गई है। देखें ये जामुन और माशाल्लाह से अल्लाह पाक की कुदरत है आलू बुखारे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ इसमें ये देखें इसे आप लोग क्या कहते हैं कॉमेंट्स में बताइएगा। बास लोग इसे आलू बुखारा कहते हैं कुछ आलूचा कहते हैं और मैं तो आलू बुखारा भी कह देती हूँ और आलूचा भी।
साथ में खान साहब लेकर आए थे जी ये मज़ेदार सी चेरी, ये देखें माशाल्लाह सभी अलाई रबी को मत कसान, और अल्लाह पाक की किस किस नेमतों को छुटलाओगे। बिस्मिल्लाह तो मज़े की हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखें एक और ये आपके लिए, चलें जी इसे फ्रिज में रखती हूँ और चाय निकालती हूँ और लेके चलती जी। तो यहाँ पर मैं सुबह की चाय बना रही हूँ और सुबह का नाश्ते में आज इमरान लेकर आए हैं कचौरी, मैं पीस फ्राई करूँगी और साथ में अपने लिए एक अदद अंडा फ्राई करूँगी। यहाँ पर पीस फ्राई करने के लिए मैंने रख दिए हैं और बस फ्राई करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। कचौरी लाया हूँ, इरम ने बताया था ये हम अक्सर उनसे खाते भी हैं कचौरी, ये उनके स्कूल के ज़माने की है, मतलब अन्नू भाई नाजाबाद के अंदर मशहूर कचौरी लगाते हैं वो हैं, जो नाजाबाद में रहते हैं वो तो पहचान जाएंगे। ज़बरदस्त तरकारी और ये डिलेशियस, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त कचौरी है, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे गरम गरम खोलती खोलती है सुबह सुबह, और ये देखें इसे मुँह में पानी आ रहा है, ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, शरबत बनाकर फ्रिज में रख दिया है ताकि ठंडा हो जाए। करनी है जी पूरी ये सफाई, किचन वगैरह की सारी। अच्छा जी, बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, और आज हमें मौका मिला है कि महरीन आई है, तो हमने कहा आज मौके से फ़ायदा उठाएं और चूल्हे साफ़ कर लें। तो अब महरीन ने यहाँ पे चूल्हे की सफ़ाई स्टार्ट कर दी है, उसके बाद फिर ये स्लैब की सफ़ाई होनी है और फिर ये साफ किचन वगैरह की सफ़ाई करेंगे। आज तो सारा काम फैल गया है या नहीं। अच्छा महरीन, वो क्या कहते हैं, काम बढ़ गया जी, काम बढ़ गया। काम बढ़ गया। आज हमारे घर में सफाई हो रही है और पोछा वगैरह लगेगा। मैं ये कह रही थी कल जल्दी आना, ठीक है, ताकि जो है ना ये जो कपड़े वगैरह हैं हम ये भी धो लें, क्योंकि इमरान की पैंट्स वगैरह ही रह गई। जी जी, ये कल जल्दी आऊँगी। चल ठीक है। 3 hours later. दो चार दिन के लिए कहीं चले जाओ, पूरा घर ऐसा हो जाता है कि बस जिसकी कोई हद नहीं। सारे घर का काम किया, किचन की सफाई करना, ये करना, वो करना, उसी में फिर आपको पता है कि शाम की चाय वो तो बहुत ही ज़रूरी है। शाम हो गई सुबह से काम करते करते, उसके बाद फिर मैं चाय बनाने से पहले नहाई धोई फ्रेश हुई, उसके बाद फिर चाय बनाई, चाय पी, और अब ये सब समेटना है मुझे। ये देखें सारा बेड पूरा सब कुछ ऐसा फैला हुआ है जिसकी कोई हद नहीं, और साथ में ये इमरान साहब का सूट है, ये रहा जो धोबी के पास से आया था। इस्त्री होकर सब कुछ कंप्लीट होकर इसे इसकी जगह पर रखना है, ये कपड़े वॉश हुए हुए हैं इन्हें तय करना है, तकिए के अस्तर चढ़ाने हैं ये हटाना है, बेड का कवर है ये देखें इसको भी चेंज करना है, चादर भी छानी है। मैंने कहा अपनी प्यारी YouTube फैमिली से इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे कल के अच्छे से ब्लॉग में। इतना बाबरकत महीना है तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखेगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।